बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी रियल लाइफ को लेकर न्यूज़ में रहती हैं। बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके अफेयर खूब न्यूज़ में रहे, लेकिन उन्होंने शादी करने का फैसला नहीं लिया। जब उम्र ढलान पर आ गई तब जाकर शादी करने का ख्याल मन में आया। फिर किसी ने 40वें तो किसी ने 50वें साल में अपने लाइफ पार्टनर को चुना। आइए जानते हैं ऐसी बॉलीवुड की 5 एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने काफ़ी लेट शादी की। नीना गुप्ता। 1982 में फिल्म साथ साथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता का अफेयर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ था। विवियन और नीना काफी समय तक डेट करते रहे। विवियन मैरिड होने के बाद भी नीना के साथ रिलेशनशिप में रहे। नीना और विवियन की 1989 में एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मस्पा रखा। बेटी के बाद भी विवियन ने नीना से शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद नीना ने अपनी बेटी मस्पा को अकेले ही पालने का फैसला किया। बिना शादी के नीना अपने करियर में एक्टिव रही। साल 2008 में नीना ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की। शादी के समय नीना गुप्ता 49 साल की थी। मनीषा कोइराला। गुप्त, दिल से, बॉम्बे जैसी कई हिट फिल्मों में काम करने वाली 90s की फेमस एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की थी। मनीषा के अफेयर की काफी खबरें आती रही, लेकिन उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। आखिरकार मनीषा ने 40 साल की उम्र में खुद से 7 साल छोटे सम्राट दहल से शादी की। हालांकि मनीषा की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 2 साल के अंदर ही यानी 2012 में उन्होंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। मोना सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना ने साल 2002 में टीवी सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद कई सीरियल्स में काम किया और फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। मोना लंबे समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उनके कई अफेयर्स की खबरें भी सामने आती रहीं, लेकिन उन्होंने किसी से शादी नहीं की। 27 दिसंबर 2019 को मोना ने 38 साल की उम्र में श्याम राजगोपालन से शादी की थी। काम्या पंजाबी। टीवी की फेमस एक्ट्रेस काम्या ने 40 साल की उम्र में शादी की थी। काम्या ने 10 फरवरी 2020 में अपने बॉयफ्रेंड शलभ से शादी की थी। काम्या भी काफी टाइम से टीवी दुनिया की स्टार हैं। काम्या के रिलेशन की खबरें खूब मीडिया में छाई रहती थी, लेकिन काम्या ने 40 साल से पहले शादी नहीं की। सुहासिनी मुले। आमिर खान की ऑन स्क्रीन माँ सुहासिनी ने साल 2011 में 60 साल की उम्र में फिजिक्स के प्रोफेसर अतुल गर्तू को लाइफ पार्टनर बनाकर सभी को हैरान कर दिया था। एक्ट्रेस को 60 साल की उम्र में प्यार मिला और उन्होंने शादी कर ली। 72 साल की सुहासिनी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिल चाहता है, जोधा अकबर और हुतुतू के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।